नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एग्जाम हुई थी, एग्जाम होने के बाद आपका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में आपने कट ऑफ में देखा होगा कि OBC का कट ऑफ ज़्यादा गया है और जनरल की कट ऑफ कम गई है। जबकि कायदा ये बोलता है कि आपका जो कट ऑफ है वो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ होना चाहिए। तो उसको लेके आपकी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई थी और रीट लगी हुई थी, तो उस चक्कर में आपका जो है DV लेट हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हो चुका है, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी लेट होगा। तो सब कुछ बात करेंगे डिटेल्ड में कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एग्जाम अपने समय पर हो गई थी, समय के अनुसार आपने देखा होगा कि रिजल्ट भी उसका एक महीने के अंदर आ गया था रिजल्ट भी। और हमेशा की तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ है, सेम वैसा भी इस बार भी हुआ था कि OBC का कट ऑफ ज़्यादा गया था और जनरल की कट ऑफ कम गई थी। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम के मेंस की प्रिपरेशन और CPCT की प्रिपरेशन करने के लिए आपके सामने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सक्सेस विथ यू ऐप। आप विजिट कीजिए सक्सेस विथ यू पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यहाँ पर आपको मेंस एग्जाम की डिक्टेशन के लिए शॉर्ट हैंड की यहाँ पर क्लासेस, मतलब वीडियो दी गई हैं, और यहाँ पर टाइपिस्ट की वीडियो दी गई हैं। क्या होगा इस खास इस कोर्स में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने कोर्स में विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्ट मैटर पर आधारित डिक्टेशंस प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि 80, 90 और 100 की रहेंगी शॉर्ट हैंड के लिए। 2015 और 2017 की जो क्वेश्चन पेपर थे जिनमें टाइपिंग जो मैटर आए थे उनकी कॉपीज आपको मिलेंगी, प्लस जो डिक्टेशन बोली जाएगी उनकी PDF भी आपको अवेलेबल रहेगी। एक डेमो भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए सक्सेस विथ यू, चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर विजिट कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। इसी के साथ में टाइपिस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिस्ट का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर डिक्टेशंस अवेलेबल रहेंगी, प्लस उनकी PDF रहेंगी, 2015 और 2017 की यहाँ पर कॉपीज रहेंगी। डिक्टेशन 40, 45, 35 वर्ड, 30 वर्ड और 50 वर्ड की आपको हमारे इस कोर्स में उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CPCT की, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा यहाँ पर कोर्स अवेलेबल होने वाला है जिसमें आपको यहाँ पर नोट्स रहेंगे, सभी नोट्स अलग अलग रहेंगे CPCT पर अभी तक जो पेपर बने हुए हैं उन पर आधारित यहाँ पर। तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और आप परेशान हो रहे हो कोर्ट के डिक्टेशन कहाँ से मिले, तो हम आपके लिए लाए एक बहुत अच्छा ऐप सक्सेस विथ यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर आपको एक से एक कोर्ट के डिक्टेशन और टाइपिस्ट के डिक्टेशन सारे सब कुछ मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कि OBC का कट ऑफ ज़्यादा गया उसके ऊपर अब इन लोगों ने याचिका लगाई है, और याचिका लगाई है उसमें सुनवाई आपकी 20 जून को सुनवाई है, नेक्स्ट एक हो चुकी है, उसमें कुछ निर्णय नहीं निकला। अगली बैठक में अब निर्णय निकलेगा 20 जून को, और 20 जून को भी यदि कोई निर्णय नहीं निकलता है तो फिर तारीख आपके आगे लग जाएगी आगे। तो ऐसे करके आपका जो स्किल टेस्ट है, जो मेंस होगा आपका MP हाईकोर्ट का, वो थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। तो अब इस जैसे मेंस डिले होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डिले होगा। आपको पता होगा यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक हो जाना चाहिए था, यदि आपका जून में मेंस होता तो आपका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना था, और उसके बाद जो लिस्ट आती पात्र वालों बच्चों की उनका मेंस भी हो जाना था जून में। बट अभी तक ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है साइट पे, और अभी तक आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी भी कोई डेट नहीं आई है। तो बात करते हैं आगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है। तो आप सभी को पता होगा, यदि ये नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 जून को अगली सुनवाई है इस कोर्ट केस को लेके कि OBC का जो है कट ऑफ हाई गया है और जनरल की कट ऑफ कम गई है, उसको लेके आपका जो है 20 जून को आपकी इसकी सुनवाई है। उसी के बाद जो भी निर्णय होगा वो उसी के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी के बाद ही आपकी जो है सूचना आपको प्राप्त होगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, कहाँ जमा करना है और कैसे आपको जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें अब 20 जून के बाद ही होने वाली है। तो अभी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, आपके पास समय मिल गया है तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पास अभी भी लगभग नहीं करते अभी, जैसे मान के चलो अभी भी एक महीना तो जून में है, मई और जून का, फिर जून के बाद यदि जुलाई में भी होता है तो लगभग आपके पास मान के चलो 2 महीने का आपका समय अभी और मिल चुका है तैयारी करने का। तो बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चिंता मत करिए। जैसे 20 जून को कोई भी फाइनल निर्णय निकलता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द सूचनाएं मिल जाएगी कि कहाँ कैसे जमा करना है। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।